छोला एक ऐसा व्यंजन है जो शायद ही किसी को पसंद नहीं होगा। खासतौर पे हमारे उत्तर भारत में तो लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। हम इसे भटूरे, पूरी, रोटी, चावल या फिर ऐसे ही खाकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। हमारे यहाँ लोग इसे अपने अनुसार अलग अलग तरीके से बनाते हैं। चलिए आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से घर में उपलब्ध सामग्री से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छोला मसाला बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए उबले हुए काबली चने, तेल, बारीक कटे हुए टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और प्याज, कुछ सूखे मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, छोला मसाला, कसूरी मेथी, कुछ खड़े गर्म मसाले जैसे तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन और हल्दी पाउडर। सबसे पहले हम रात भर भीगे हुए काबली चने को उबालेंगे। उबालते समय इसमें हम थोड़े से खड़े गर्म मसाले और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो चलिए जब तक चने उबल रहे हैं तब तक हम उसका मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मीडियम साइज के पतीले में आधा कप तेल डालते हैं। तेल गर्म होने के बाद उसमें कुछ खड़े गर्म मसाले डालते हैं जैसे तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, काले मिर्च, जीरा और अजवाइन। जब खड़े मसालों की खुशबू आने लगे तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और इसे सुनहरा होने तक पकाएंगे। हम देख सकते हैं कि हमारी प्याज पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, छोला मसाला और कसूरी मेथी। इन सूखे मसालों को हम प्याज के साथ कम से कम 1 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, हम लहसुन तो प्याज से पहले या प्याज के साथ डाल सकते हैं, लेकिन अदरक और हरी मिर्च प्याज पकने के बाद ही डालना चाहिए, नहीं तो ये स्वाद को कड़वा कर देता है। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें और अदरक और हरी मिर्च प्याज पकने के बाद ही डालें। अब समय आ गया है बारीक कटे हुए टमाटर डालने का। टमाटर डालकर हम इसे 3-4 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। हम देख सकते हैं कि हमारा मसाला तैयार हो गया है और अब तक हमारे चने भी उबल गए हैं। और अब हम इन्हें मसाले में डाल के अच्छे से मिलाएंगे और कम से कम 5 से 7 मिनट तक ढककर पकाएंगे। अब हम इसमें नमक चेक करके डाल देंगे और अच्छे से मिलाकर 1 मिनट तक पकाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमारे छोले अच्छे से पक गए हैं और अब हम इन्हें गैस से नीचे उतार लेंगे। और अब बारी है छोले के प्लेटिंग की। इसे हम एक प्लेट में अच्छे से निकाल कर बढ़िया से सजा देंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे घर पर ज़रूर बनाएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।